सरस ऊपर चढ़ी है गोड़ी से हो मनी डल ली जाए तो पाची आई जाए अरे आखो वीडियो आई जाए स्कूल कही बाजकोट बाजकोट प्राथमिक शाला आजा बेटा हेड बार आई जाए मेहनत जवानो मेहनत नहीं कराई लिया दोरी ला बेटा दोरी ला दोरी ला अरे कस वाजून बहुत महू खराब लागला हारून तू पचड कस होत दोस्तों मोड़ा सा बाजकोट जहाँ प्राथमिक शाला है सरकारी स्कूल जहाँ एक पानी की टंकी थी तो उसमें एक मॉनिटर लीजर गिर गई थी तो हमें कॉल आया था स्कूल के प्रिंसिपल है मीनेश भाई पटेल डुगरवाड़ा के तो
पूरा स्टाफ यहाँ भी हाजिर है। तो ये मॉनिटर लिजर्ड को पानी की टंकी में देख लिया तो मिनेश भाई का कॉल आया था, एक गो जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में गुइडा बोलते हैं और इसको बहुत जहरीला लोग मानते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का वेनम आता ही नहीं है। लेकिन ये मुर्दा जानवरों को खाता है तो इसके दांतों में थोड़ा बैक्टीरिया होता है, तो अगर ये किसी को काटते हैं तो थोड़ा चक्कर आ जाते हैं, तो लोग इतना होता है तो लोग डर जाते हैं और उनका हार्ट फेल हो जाता है और इंसान की मौत होती है और बदनामी जो रेप्टाइल है वो होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का वेनम नहीं आता, लेकिन बहुत जहरीला लोग मानते हैं। तो हमारा काम है ऐसे रेप्टाइल के बारे में लोगों को जानकारी देना और लोगों को सही जानकारी दे के लोगों के जहन में जो सांपों का डर है, रेप्टाइल का डर है, उसको निकालने का हमारा काम है। तो मिनेश भाई का कॉल आया था तो अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है, पानी की टंकी से बाहर निकाला है और इसको अभी पकड़ा है। तो ये बहुत ही प्यारा जीव है, सबको लगता है कि अगर ये चिपक जाता है तो उखड़ता नहीं है। उसके जो पैर के नाखून हैं थोड़े गहरी आते हैं, अगर किसी की चमड़ी को या इंसान के जिस्म को छू जाते हैं तो थोड़ा खरोच आ जाती है। तो ऐसे बहुत ही प्यारा जीव होता है, ऐसे काटने का पसंद नहीं करता, लेकिन लोग सांपों के बारे में, ऐसे रेप्टाइल के बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमारा काम है ऐसे रेप्टाइल के बारे में सही जानकारी देना और लोगों के जहन में सांपों का डर है उसको दूर करना। तो ये हमारा प्राथमिक शाला बाजकोट गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ का स्टाफ है और थोड़े बच्चे भी हैं, तो इनके जहन से हम थोड़ा सांपों का डर निकालने का कोशिश करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेटा चलो, टाइम तो नहीं हो वो बोरा जी, टाइम तो नहीं। सरस मजा पकड़ जाओ प्रेम जी। हाँ यार, तो ये है मॉनिटर लिजर्ड और हमारे यहाँ चंदन गो पाटला गो के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है। ये जो है छोटा बच्चा होता है तो इसको चंदन गो बोला जाता है और ये जब बड़ा होता है तो पाटला गो हो जाता है। सभी लोगों के जहन में ऐसा है कि चंदन गो होती है उसके ऊपर बिजली गिरती है, तो ये सब ब्राह्मिक मान्यता है। वो कोई जानवर देखा ना तो मारवाणी बराबर, कोई ने मारवाणी कोई जरूर नहीं बराबर है भरा जे हड़ पकड़ हुआ तो कूटर पकड़ हड़ ऐसे बीत जाती है। घबरावा कोई जरूर नहीं, आ कशु करतू नहीं। पेली वार्ताओं की खबर थे बड़ा वार्ताओं के साहेब क्या था कि शिवाजी महाराजा एक गोई राखता था और किल्लाओ चढ़ता था, बड़ी वार्ताओं से शिवाजी महाराज एवडो मोटो चौकोड़ो लेने पड़ता। हूँ कोई लकड़ी चढ़ाए थोड़ू न कोई ने बीका बेटा શિક્ષણ નીતિ કોઈને પકડવું હોય બતાવી પકડ લેવા હોય મોટું પકડ લે પકડ तो इसको अभी हम रेस्क्यू करके ले जाते हैं और सभी लोगों के जहन में जो इसका डर है वो निकालने का हम ट्राई करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। आओ बाजकोट प्राथमिक शाला से हमने अभी एक मॉनिटर लिजर्ड को रेस्क्यू किया था
तो इसको लेके हम आए हैं छुटने के लिए जंगल में। तो दोस्तों हमारा काम है पर्यावरण के, प्रकृति के ऐसे जीव जो भूले भटके कहीं भी इंसानी बस्ती में आ जाते हैं और इंसान देख लेता है तो गलत धारणाओं के चलते इंसान ऐसे रेप्टाइल का, ऐसे जीवों का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो दोस्तों हमारा काम है पर्यावरण के ऐसे जीवों के बारे में जनरल नॉलेज देना और सही जानकारी देना, उनको सही जानकारी देके शिक्षा से जोड़ना। तो दोस्तों हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। Okay.